नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले भारत की एक मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई थी। उसे जाना था कहीं और पहुंच गई थी पाकिस्तान की ओर। ये खबर बहुत दिनों तक दुनिया के मीडिया में चली थी। पाकिस्तान को तो ये जानने में ही टाइम लग गया था कि ये बला कहाँ से गिरी है। पाकिस्तान से आई चीज़ कहीं दूसरी दुनिया से तो नहीं आई है। एलियंस ने तो हमला नहीं कर दिया है। जैसे तैसे पाकिस्तान को पता चला कि ये मिसाइल तो भारत की तरफ से आई थी, मगर फिर भी पाकिस्तानियों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी भारत को पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के नीचे समझते हैं। ये बात तो जब कंफर्म हुई जब राजनाथ सिंह जी ने खुद बोला कि भाई ये मिसाइल तो हमारी ही है, फिर अटकलें लग गई कि भारत के पास ऐसी कौन सी अदृश्य मिसाइल आ गई है पाकिस्तान की रूहानी टेक्नोलॉजी के चाइनीज रडार भी इसे पकड़ नहीं पाए। मिसाइल की लंबाई से चौड़ाई तक नाप ली गई थी। आखिर में पाकिस्तान ने निष्कर्ष ये निकाला कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल थी। अब इस मिसाइल के दुनिया में बहुत कस्टमर हैं, उनमें से एक फिलीपींस है। अब फिलीपींस टेंशन में आ गया कि मिसाइल अपने दुश्मनों को अपने आप पता लगा लेती है। मिसाइल का मूड ख़राब हुआ तो वो दुश्मन की तरफ भी चली जाती है। ये खासियत इंडिया ने फिलीपींस को नहीं बताई थी। अब फिलीपींस के मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना ने मनीला में भारतीय राजदूत कुमारन को तलब कर लिया और पूछा, भाई ये क्या था? अब फिलीपींस के भी दुश्मन हैं, चाइना उनमें से एक है, और मिसाइल की खासियत की बात की जाए तो ये मूड ख़राब होने पर दुश्मन की तरफ चली पड़ती है। कहीं ऐसा हो गया तो फिलीपींस को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन भारत के राजदूत कुमारन ने अच्छे से समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसाइल एकदम परफेक्ट है। उस दिन भारतीय फौजी का दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि योगी की यूपी में जीत के कारण बहुत खुश था, तो खुशी खुशी में पाकिस्तानियों को पैगाम दे दिया कि मोदी के बाद अब योगी की बारी है, योगी बाबा ऐसे में बिना बताए मिसाइल छुड़वा देते हैं। जब कहीं जाकर फिलीपींस को तसल्ली हुई कि हमारे यहाँ कोई योगी जैसा पॉलिटिशियन नहीं है, फिलीपींस ने इसी साल 28 जनवरी को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज का सौदा किया था। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो सिरसा से उड़ी थी और पाकिस्तान के मियाँ चुन्नू में जाकर गिरी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि ब्रह्मोस से कभी भी पंगा मत लेना, क्योंकि ये मिसाइल ना तो रडार को दिखती है और ना ही किसी के समझ में आती है।